हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने 9 साल पूरे कर लिए 28 जुलाई 2017 को, क्योंकि शो की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 2008 को। और उसके बाद से बिना किसी ब्रेक के तारक मेहता शो एकमात्र शो है जिसने 9 साल पूरे किए और 2000 से भी ज्यादा एपिसोड किए हैं। तारक मेहता शो की सबसे यूनिक बात यह है कि इतने लंबे टाइम तक चलने वाले टीवी शोज में काफी सारी कास्ट चेंज हो जाती है या फिर पूरी की पूरी ही कास्ट चेंज हो जाती है, लेकिन तारक मेहता शो में ऑलमोस्ट वही सेम कास्ट है जो शो के स्टार्टिंग में थी। और उसका कारण यह है कि तारक मेहता शो के एक्टर्स अपनी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी शो को देते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा एपिसोड्स वाले टीवी शो की बात करें तो वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने तारक मेहता शो से भी ज्यादा एपिसोड्स पूरे किए हैं। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑलमोस्ट पूरी लीड कास्ट चेंज हो चुकी है। और उसके अलावा CID काफी सालों से चल रहा है, 1998 में पहला एपिसोड आया था और अब तक 1400 एपिसोड से भी ज्यादा एपिसोड्स पूरे किए हैं CID ने। लेकिन CID में भी काफी सारे ब्रेक्स आए और काफी सारी कास्ट भी चेंज हुई। 2017 के स्टार्टिंग में भव्य गांधी ने 8.5 साल पूरे करने के बाद तारक मेहता शो को छोड़ा, क्योंकि भव्य ने फिल्मों में अपना करियर कंटिन्यू करने की सोची है। उसके अलावा कोई मेजर चेंज शो में अब तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, कुछ सवाल 9 सालों बाद भी मिस्ट्री बने हुए हैं जब से शो की शुरुआत हुई थी तभी से, जैसे कि पोपटलाल की शादी कब होगी, पिंकू के पेरेंट्स कौन है, दया की माँ कब आएगी शो में, नट्टू काका की सैलरी कब बढ़ेगी, और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज जो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, आप बताओ कि आपके क्या व्यूज हैं तारक मेहता शो को लेकर। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें।